गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए जी सर। सर आपके पास हमने काफ़ी प्रकार के DSO देखे, मतलब इसके पहले आप यूनिटी का DSO आप यूज़ कर रहे थे और अभी सडनली आपने वीडियो भी डाला है और वीडियो के आपने डाला है इसका रीगल का वीडियो डाला है, तो लेटेस्ट में सर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? और सर दूसरा सवाल ये था कि हमारे आउटसोर्स के जो व्यूवर्स हैं, जो हमारा ऑफिस है, कि हमारे सारे वीडियो आते हैं वो टेक्निकल तौर पे आते हैं और टेक्निकल ही होते हैं, तो स्टूडेंट्स का पूछना ये होता है कि सर इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ में आएगा हमारा DSO। वैसे हमारे एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट, उसको तो पूरी चीज़ की जानकारी होती है क्योंकि खुद आके यहाँ प्रैक्टिकल करता है, बट आउटसोर्स का बंदा अगर जो हमको देख रहा है या कभी फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहता है तो वह एक अपना बजट वैल्यू देखता है, फीस के साथ एक अपनी टूल की बजट वैल्यू देखता है, तो सर वो क्या क्या अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, क्या है क्या नहीं है, तो प्लीज़ सर आप इसकी जानकारी देंगे सर वीडियो में। चलिए मैं आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं देवधर अग्रवाल एशिया टेलीकॉम की टीम की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो सवाल है आपका कि दोनों DSO में मैंने ये DSO जो अभी रिव्यू किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है, इवन मैंने प्रॉपर इस पर वीडियो भी बहुत से बनाए हैं जो हमारे पेड वीडियो रहेंगे, जो हमारे कोर्स में रहेंगे। बट मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने इस पर रिव्यू किया है और जो मैंने इसको समझा है, ऑब्वियस है कि ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बट अगर हम बात करें कि एक 20,000 का DSO और एक 50,000 का DSO में बहुत अंतर है, बात पैसों की नहीं है, बात नॉलेज की है। अगर आपको नॉलेज आपका डीप लेवल पे है और आप और अंदर जाना चाहते हैं सर्किट के और आप उसको समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये DSO आपके लिए बेहतर है। बट ये DSO मैं उन्हीं को सजेस्ट करूँगा जो आईफोन पे भी काम कर रहे हो, बाकी जो एंड्रॉयड पे काम कर रहे हो तो मुझे तो लगता है कि ये DSO तक ही सही है। बाकी आईफोन पे काम करने वाले, मुझे नहीं लगता रीगल का DSO लेना सही रहेगा क्योंकि 4 चैनल की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, आप 2 चैनल से भी देख सकते हो और वैसे भी अब एक चैनल से जम्पर लेके भी आप काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या स्टूडेंट को ये लेना चाहिए। इधर दिखाओ, ये देखो, अगर आपको डाटा क्लॉक इन सारी चीज़ों की जानकारी है, अगर आपको डाटा क्लॉक इन सारी, यहाँ पे दिखा दो, अगर आपको डाटा क्लॉक यहाँ दिखा दो टीवी, अगर आपको डाटा क्लॉक इन सारी चीज़ों की जानकारी है, आपको बेसिकली प्रोटोकॉल्स पता है, आपको MIPI पता है। देखो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मैं जानना चाहूँ, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रोटोकॉल्स पता है, आपको ये पता है कि हमारे जो फ़ोन हैं वो किस तरह से प्रोटोकॉल्स में चलता है, जैसे MIPI की सप्लाई, RFFE होगी, डाटा क्लॉक, MISO, MOSI, SPI, सीरियल पहली पर इंटरफेस कनेक्शन अगर हम बात करें, तो इसी कनेक्शन के तौर पे देखिए, फ़िलहाल हमने अभी तो फ़िलहाल हमने इसको Arduino से टेस्ट किया था और हमने इसे SPI सिग्नल को जनरेट करा कर हमने इसे चेक किया था। और बेसिकली अब हम एक फ़ोन के साथ कर रहे हैं, मान के चलिए कि इस फ़ोन में हमें टच का काम करना है और हमें ये देखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमें टच में जो MISO, MOSI इस तरह की सप्लाई होती है, दिखाइए जरा यहाँ पर, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैं टच कनेक्टर पर जाता हूँ, अगर आप बोर्नियो से काम करते हैं तो, हालांकि बोर्नियो से तो हम नहीं करते बट फिर भी हमने इसलिए खोल कर रखा है क्योंकि ज़्यादातर व्यूवर्स इससे समझते हैं। जैसे आप टच में जाते हैं तो आपको टच की अलग अलग सप्लाई देखने को मिलती है, तो यहाँ पर देखिए रिसेट की सप्लाई, इंटरप्रेट, SPI क्लॉक, SPI MISO, SPI MOSI इस तरह से। होता है क्या है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ कनेक्टर पे GR देखते हैं और GR आने के बाद में CPU रिबॉल कर देते हैं, और अगर CPU रिबॉल नहीं हुआ और फिर भी टच काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये समझने आपको इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली कौन सी सप्लाई अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि सिर्फ GR से मतलब नहीं है ना, क्योंकि अगर सिर्फ GR मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस, अगर एक IC कनेक्टेड है तो वो अपना GR दे देगी, ठीक है, अगर उसका ट्रैक सही है, बट IC अगर वर्किंग ही नहीं है सो सिर्फ GR देकर भी वो सप्लाई को बनाएगी नहीं, क्योंकि उसको बनाने के लिए वहाँ फ्रिक्वेंसी बनाना ज़रूरी है। MISO मतलब मास्टर इन आउट स्लेव और MOSI मतलब मास्टर आउट स्लेव, MISO मास्टर इन और आउट स्लेव और MOSI मतलब मास्टर आउट स्लेव इनपुट, इसका मतलब ये होता है कि भैया यहाँ से डाटा जाना है और डाटा को आना है। सो ये बेसिकली आप
इसको समझ सकते हैं कि कभी कभी हम I2C की लाइन पे जब 118 वोल्टेज भी देखते हैं, हम GR भी देखते हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट भी सवाल करते हैं कि सर अभी टच काम नहीं कर रहा, हम क्या करें। भाई ये नहीं समझते हैं कि CPU भी ख़राब हो सकता है, CPU फ्रिक्वेंसी नहीं बनाएगा तो आप कैसे करेंगे, अपने CPU भी चेंज करना पड़ सकता है। अब ये कैसे करेंगे दिखाइए। तो देखिए मैंने एक फ़ोन को कनेक्ट किया है, मैं इस फ़ोन को ऑन करता हूँ यहाँ से, ये मैंने इस फ़ोन को ऑन करता हूँ, मतलब ऑन ही है ये, देखिए अब फ़ोन ऑन है हमारा, दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ से आप नोटिस करो तो अभी हमारा जो भी सप्लाई है वो पूरी सप्लाई यहाँ पर आप डेड पल्स बोल सकते हैं इसको आप। सो जैसी मैं इसको टच करता हूँ तो आप नोटिस करना कि मेरे यहाँ पर कुछ सप्लाई बन रही है। जैसे ही मैंने टच किया तो यहाँ पर आप देखो, और ये है इस DSO का, उस DSO में ज़मीन आसमान का अंतर ये है कि वो DSO आपको सिग्नल को दिखाएगा पर आपको डिकोड करके भी देगा। तो बेसिकली जब जब आप इसको टच करोगे, देखो अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा स्लीप मोड में चला गया फ़ोन, तो मैं पहले इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब नोटिस करना, अब यहाँ पर ये जो कोडिंग आ रही है, अगर हम यहाँ पर मैथ्स वैल्यू दबाएँ और डी कोड दबाएँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमने SPI प्रोटोकॉल डिकोडर यूज़ किया है। आप इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, I2C यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जो मेरा चैनल 1 है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो चैनल 1 यहाँ पर मेरा क्लॉक है, चैनल 2 जो है, अब जैसे मैंने मैथ्स में यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और जो डी कोड की हम बात करेंगे, डी कोड 1 दबाएंगे और चैनल 2 मेरा मीसो है और फिर चैनल 3 मेरा मौसी है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे को बीच वाली लाइन फ्लैट आती है तो मतलब मेरा मौसी लाइन मीसो लाइन नहीं बन रहा है, और थर्ड लाइन आती है तो मौसी नहीं बन रहा है। सो हमें ये तीनों फ्रिक्वेंसी एक साथ, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी को एट द सेम टाइम, इवन हमने एक चैनल अभी भी यूज़ नहीं किया है, तो हम चार चैनल एक साथ यूज़ करके एक ही बार में हम सारा काम कर सकते हैं। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पे हम सिर्फ 2 चैनल यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे हम डीकोड वाला कोई सीन नहीं है। अगर हम यहाँ पर ये दबाएँ तो आप देखो कि यहाँ पे डीकोड कुछ भी नहीं है, मैथ्स में सोर्स 1 ऑपरेटर सोर्स 2 चैनल ये आ रहा है, बट यहाँ पे डीकोड कुछ भी नहीं है। इवन अगर हम चाहें तो इसमें वोल्टेज भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप थोड़ा यहाँ पर जूम करेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़िए पता होना चाहिए, यहाँ दिखाओ कि आपके प्रोब का ये कनेक्टर का X1 X टाइम, मतलब ये कौन से टाइम में होना चाहिए, 1 टाइम या 10 टाइम में होना चाहिए, या फिर अगर हम बात करें तो ये तब जाके आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे। अब इस सारे पैरामीटर्स का क्या काम है, VPP, V टॉप, V मिनिमम, V बेस, VM, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, V अपर, मिड, लोअर, एवरेज, VRMS, अगर हम सबकी बात करें तो ओवरऑल मेजर हम यहाँ से कर सकते हैं, हम इसको ऑन कर से, तो यहाँ पर फॉल राइज, तो ये सारी चीज़ वहाँ पे बता रहा है, वेट, ड्यूटी साइकिल क्या है, तो ये हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं, सारी चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर तरीके से DSO को ट्रेनिंग लोगे, और रीगल की ट्रेनिंग आपको बहुत ही कम लोग इंडिया में दे रहे होंगे। मे बी मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में रीगल सीखना चाहते हैं तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है। यहाँ दिखाइए, टीवी में दिखा दो, अभी हमारा जो कोर्स है आईफोन का 6 to 11 Pro Max में, आप नोटिस करना यहाँ पे हमने कंटेन, यहीं पे दिखा दीजिए, यहाँ पर, यहाँ हमने कंटेन के अंदर आप नोटिस करो, सो हमने यहाँ पर रीगल, ये देखो रीगल का कंप्लीट ट्रेनिंग यहाँ पर डाला हुआ है, जिसमें Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 बहुत सारे पार्ट हैं, एक एक पार्ट 15-15 मिनट के हैं। सो आप समझ सकते हैं कि हमने सिर्फ 1 घंटे की ट्रेनिंग नहीं दी है, हमने बहुत सारे टाइम अपना दिया है, और मैंने हर एक पैरामीटर, इन बटन्स का क्या मतलब है, ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रिगर करके दिखाता हूँ, नोटिस करो बहुत से लोगों को ट्रिगरिंग समझना है, तो पहले तो ये मेजर का ये हटा देते हैं। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपना ट्रिगर सेट किया है, ठीक है, ट्रिगर सेट करने के बाद अब मैंने इसको सिंगल पे प्रेस कर दिया, अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। अब जैसे ही मैं कोई सिग्नल दूंगा और अगर वो मेरी उस लेवल तक, लाइन तक फ्रिक्वेंसी जाती है तो ट्रिगर हो जाएगी, नोटिस करो। तो सबसे पहले
ये देखो, अब मैं छू भी नहीं रहा हूँ तब भी ये फ्रिक्वेंसी आ रही है, क्यों ये, क्योंकि वहाँ चल नहीं रही है, ये ट्रिगर हो गई है। अब हम इसको डीकोड भी कर आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर हम चैनल वन दबा के हम सिर्फ इसको कम ज़्यादा, और यहाँ चैनल टू दबा के हम इसको कम ज़्यादा, या चैनल थ्री दबा के हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ डिवीज़न का यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पर वोल्टेज और अलग अलग, देखो ये जैसे ब्लॉक्स जो बने हुए हैं डिवीज़न्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम टाइम की बात है, ये है टाइम है, ये माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, यहाँ खुद लिखा होता है माइक्रो टू नैनो, बस ये सिर्फ एंटी और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको चला सकते हैं। तो इस मशीन के अंदर बेहतर तरीके यूज़ हो सकते हैं, और यहाँ लॉजिक एनालाइज़र यूज़ होता है, यहाँ पेन ड्राइव लगा सकते हैं, इवन ऑडिनो हम यहाँ पर ऑडिनो को कनेक्ट करते हैं, ऑडिनो को कनेक्ट करके भी यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो इस DSO में है वो उतनी है जो लिमिटेड है, पर ये लिमिटेशन थोड़ी बढ़ा देता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रॉपर वे में अगर आपको सीखना है, अगर आप काम जानते हैं, देखिए पहले तो अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले तो आपको बेसिक समझना है, आपने 3-4 महीने पूरा समझकर लाइनों को काम करके CPU रिबोल करो, अपना CPU का वर्क करो, और बहुत हद तक 6 महीने तक इतने काबिल हो जाओ कि हाँ भाई नॉर्मल किसी भी स्कीमेटिक को तुम पढ़ पा रहे हो, कोई भी लाइन तुम समझ पा रहे हो इस तरीके से, और किसी भी IC में तुम काम कर पा रहे हो, वहाँ मतलब जहाँ तुम्हें अब किसी जे कहते हैं ना कि हमें सर हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, उस हेल्पलेस मतलब हेल्पलेस नहीं, हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, मतलब जहाँ तुम्हें हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ तुम्हें खुद ही तुम अपनी हेल्प कर पा रहे हो, तब मुझे लगता है कि आप तब DSO के साथ और बेहतर तरीके से जा सकते हो। और जिनको आईफोन वालों को जो आईफोन में अच्छा काम कर रहे हैं और ट्रेनिंग लेना, तो ये तो उनको यहाँ पर मिल ही जाएगा, तो एक अच्छा अनुभव उनको मिलेगा। और इस ट्रेनिंग की फ़ीस अगर मैं बात करूं, सिर्फ DSO की ट्रेनिंग तो आपको पता ही है कि मार्केट में बहुत ही महंगी है, 20-50-80 हज़ार तक DSO की ट्रेनिंग है, और जो आपको एक लैंग्वेज भी बैरियर्स हो जाते हैं तो वो समझ पाना बहुत दिक्कत की बात होती है। तो बट अगर आप हिंदी एक इंडियन से समझोगे और जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो फिर क्या दिक्कत है कोई? सर मतलब जहाँ तक हम देख रहे हैं कि सर एशिया टेलीकॉम में वो नॉलेज मार्केट में सर्कुलेट किया है जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो नया है मार्केट में अवेलेबल। देखो हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो मेन मकसद है वो स्टूडेंट को बुलाकर उनको सिर्फ चमत्कार दिखाना नहीं है कि हम स्टूडेंट बैठे रहें और हम सिर्फ काम करते रहें, और हमारे स्टूडेंट ताली बेस पे काम नहीं करता है कि ताली हर दिन हमें ताली बजती रहे, टीचर पे ताली बजती रहे। टीचर कोई सर्कस में काम करने वाला नहीं होता ना कि उसने एक स्टंट मारा और सबने ताली बजा दी। अभी एजुकेशन पता नहीं किस मोड पे चला गया, बट ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि ताली स्टूडेंट के लिए बजनी चाहिए, और स्टूडेंट अभी जो भी इंस्टीट्यूट में है वहाँ प्रैक्टिकल आवर्स ज़्यादा होने चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए 12 घंटे हर इंस्टीट्यूट वाले, आजकल तो हर कोई बोलते ही है 12 घंटे तो पता नहीं पढ़ाई देते हैं वो उनके हिसाब से, तो 12 घंटे में मुझे लगता है कि 7 घंटे कम से कम प्रैक्टिकल होने चाहिए, 8 घंटे, और सिर्फ 4 घंटे ही थ्योरी होनी चाहिए। पर मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हो क्या रहा है कि 6-6, 7-7 घंटे थ्योरी हो रही है और सिर्फ 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिकल। पर जब तक स्टूडेंट प्रैक्टिकल खुद नहीं करेगा, खुद से ट्रेस नहीं करेगा, वो आपको देखता ही रहेगा ना, तो देखते देखते में क्या सीखेगा? आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ देख रहा है, स्टूडेंट की इतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है, स्ट्रेंथ शक्ति क्षमता कि वो कहीं एक जगह बैठ कर 4-5-6 घंटे का एक इंसान को देखे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर ये होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट जाओ दुनिया का, और बट उनसे ज़रूर बात करो कि प्रैक्टिकली आवर्स ज़्यादा हो, हमें काम करने को ज़्यादा मिले, थ्योरिकल आवर्स कम हो, और जितना ये है बस उतना है, और बाकी DSO भाई सब लीजिए, और बट जो बेसिक वाले हैं उनको थोड़ा सा काम करो अपना पहले, और 3-4 महीने सेट करो, जब भागा दौड़ मत करो, लाइफ अभी आपने पकड़ी एक नई, तो भाई जैसे ट्रेन भी क्या होती है, पहले कम चलती है उसके बाद बहुत धीरे धीरे चलती है ना, हमें इरिटेट होता है, अरे ट्रेन इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है, पता नहीं कब पहुंचेगी। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे चलने दो गाड़ी को, स्पीड पकड़ोगे नहीं तो क्या होगा, इंजन फेल हो जाएगा और बीच में फिर रास्ता बदलना पड़ जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। थैंक यू वेरी मच, बस यही कहना चाहता हूँ।